मेरे काना को छोड़ दो। तुम्हें तो मैं किसी भी समय मार डालूंगा, पर उससे पहले तुम्हारे पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। नहीं। तुम्हारा क्या है, तुम तो वैसे भी अपने पुत्र के शोक में तड़प तड़प के मर जाओगे। रुक जा दुष्ट, रुक जा, मैं आ रहा हूँ कृष्ण, आ रहा हूँ। यशोदा संभालो अपने आप को, रुक जा दुष्ट। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तुमसे एक कार्य था, किंतु अब वो हो गया। वो सोने का शंख चुरा के ले गई, वो गंगा और उसकी बेटियां। मुझे तो लगता है वो चुटकी मुन्नी है ना, वो ही ले गई होगी। एक बार मुझे मिल जाए ना तो ऐसी पिटाई करूंगी उसकी, ये सब चीजें चुराना ही छोड़ देगी। हाँ माँ, मैंने उनका खर्च बहन किया, उसका ये परिणाम निकला। मुझे ना, मुझे उन्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था। अब यहीं करके मुझे देखो। आ जाओ मित्रों, अभी हमें घर जाना चाहिए। ठीक है कान्हा, अब चलो। दाऊ, आप सबके साथ जाओ, मुझे यहीं रुकना होगा। कान्हा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं भी तुम्हारे साथ रुकता किंतु हमारे मित्रों को संदेह हो जाएगा। वन में छिपा है तू मेरे भैंसे, देख मैं यहाँ भी आ गया। बच्चे संभल के, ये क्या हो रहा है, वन में अचानक से गरजना क्यों? हे श्री हरि, हे श्री हरि, मदन पुत्र, ये क्या हो रहा है? आप बताओ कृष्ण कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कृष्ण कहाँ है। हाँ, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हम सत्य कहते हैं, हमें नहीं पता कृष्ण कहाँ है, हमें मत मारो। तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता। रुको, इन्हें छोड़ दो, तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन इन्हें नहीं मारो। नहीं नहीं, तुम पिताजी और दादी माँ को मत मारो, उसके बदले मुझे मार दो। Thank you.
तुम सब मारे जाओगे। कृष्ण, तू इन सबको बचाने आया है, किंतु अब सबसे पहले तुझ पर ही वार होगा। तो आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। आजा आजा। अरिष्टासुर, मैं यहाँ हूँ। मुझसे ये बच्चों के खेल खेल रहा है तू? मैं तुझे अभी बताता हूँ। सिंगों पर झूला झूल रहा है तू, दुष्ट! तेरा इतना दुस्साहस! माजी वो चला गया। तुम तो कैसे? वो तो हम सबको खाने वाला था। जैसे ही अरिष्टासुर ने ये शंख देखा, वो दुम दबा कर भाग गया। वैसे तुमने उसकी दुम देखी? नहीं, मैंने देखी। ये बड़ी दुम थी। जब वो इस शंख को देखकर दुम दबा कर भागा था, तब मैंने देखा था। बहुत अच्छा किया मेरी बेटियों, ये शंख तो अपने साथ लेके आई, नहीं तो वो दुष्ट दैत्य हमें मार डालता, नहीं छोड़ता हमें। राजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखा काका, अब आपकी पुत्री नहीं, आपके प्राण बचाए हैं। किंतु आपने इनके साथ बहुत अन्याय किया। इनका तिरस्कार करके आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है। सरस्वती दादी, अब आप कहिए, आपने भी तो अपने पुत्र का इस पाप में साथ दिया था, जबकि आप तो स्वयं एक स्त्री हैं, और स्त्री होकर आप कन्याओं को अपना बोझ समझती हैं। बेटा होने से
ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आप सदैव ही प्रसन्न रहेंगे, किंतु पुत्रियाँ सदैव अपने परिवार को प्रसन्नता देती हैं। पुत्रियाँ भी पुत्रों से कम नहीं होती। हाँ काना, तुम सही कह रहे हो। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिन्हें मैं आज तक बोझ समझती थी, आज वही कन्याएं मेरे और मदन के जीवन के लिए अपने प्राण निछावर के लिए भी तैयार हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई काना, मुझसे बड़ी भूल हो गई काना। मुझे तो लग रहा था कि आज हम अपनी पुत्रियों के भाग्य से बचे हैं। गंगा, गंगा मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं स्वामी, आप क्षमा मत मांगिए। और तुम सब सब हमारी बच्चियों के साथ घर चलो, अपने अपने घर चलो। चलो, चोट लग जाएगी। तुम चिंतित दिख रही हो। स्वामी, ये वन कितना भयानक लग रहा है। हाँ, भयानक तो है, परंतु तुम चिंता ना करो, हम शीघ्र ही इस वन को पार कर लेंगे। यदि हम भटके ना होते तो अंधेरे होने से पहले हम वृंदावन पहुंच जाते। लेकिन तुम चिंता ना करो प्रिय, हम कुछ समय में वृंदावन पहुंच जाएंगे। राधा, मेरी बहन का सुंदर सी मेहंदी लगाना। सुन रही हो राधा? हाँ हाँ सुन रही हूँ, और तुम दोनों भी सुन लो। मैं मेहंदी अच्छी लगाती हूँ, इसलिए काकी ने मुझे कार्य दिया है। ये बुद्धू क्या बताएंगे मेहंदी के विषय में, क्योंकि आज तो हमारे होने वाले जीजा जी ही बताएंगे कि आपके हाथों में कैसी मेहंदी लगी है।
अचानक। जरा देख तो कैसी लगी है मेहंदी। कान्हा से पूछने की क्या आवश्यकता है सुशीला दीदी, मैंने मेहंदी लगाई है, अच्छी ही होगी ना। सुशीला दीदी बहन तो मेरी है, किंतु वो हर विषय में कान्हा की बात अवश्य कहती है। जानती हूँ, इससे पूछे बिना वो कुछ नहीं करती। क्योंकि जितना प्रेम मधुमंगल मुझसे करता है उतना ही कान्हा भी करता है ना। शीला दीदी मेहंदी कुछ विशेष नहीं है, किंतु आपके हाथ में बनाई गई है इसीलिए सुंदर लग रही है। ओहो, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। कभी बनाई भी है मेहंदी? नहीं बनाई है तो क्या हुआ, किंतु तुम्हारे विवाह में मैं मेहंदी रचूंगा। रहने दो, मुझे नहीं बनवानी तुम्हारे हाथों से मेहंदी। देखना, ऐसी मेहंदी आज तक कभी किसी के हाथों में नहीं रची होगी। अरे देखो तो, विवाह के नाम से बावरी राधा कैसे लज्जा रही है। ये क्या हंसी चिटोली कर रहे हो तुम दोनों? बस काकी, है ना आपका लाडला, नाक में दम करके रख दिया है इसने। कान्हा, सुशीला पुत्री, ये बताओ तुम्हारी मैया कहाँ है? लड़के वालों ने 10 गाय और मांगी है और कुछ सोने के आभूषण भी। क्या? हम जितना दे सकते थे हम दे चुके हैं और हमारे पास मात्र 5 गाय ही हैं। अब क्या होगा स्वामी, मेरा तो सोच सोच के हृदय बैठा जा रहा है। ये विवाह कैसे होगा स्वामी? चिंता मत करो, श्रीहरि है ना हमारे साथ, सब कुछ उन पर छोड़। और फिर भी कुछ व्यवस्था ना हो पाई तो हम ये घर वर के पिता को दे देंगे। तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? नहीं पापा, ये क्या कह रहे हैं? मैं मेरे पापा को बेघर करके ससुराल नहीं जा सकती। माँ बाबा भीतर हैं। सुशीला पुत्री, इस समय तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला होना चाहिए, किंतु ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ है, तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है ना? नहीं तो काकी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, वो बस विवाह की व्यस्तता में थोड़ी थक गई हूँ। चलो सुशीला, भीतर चलो, थोड़ा विश्राम कर लो, आओ। तो राधा, कल बारात में तुम्हारे लिए भी कोई उचित वर देख लेंगे। अरे तुम तो अभी से ही उतावली हो रही हो, एक कार्य और हो सकता है, कल सुशीला दीदी के साथ साथ तुम्हारा भी विवाह संपन्न कर देंगे। कान्हा चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, किंतु कल विवाह में पीले रंग के वस्त्र पहन कर आना, हो सकता है यदि कोई उचित वर मिल गया तो तुम्हारा भी विवाह करवा देंगे। काकी इसे समझाओ ना। अरे क्यों रे कान्हा, क्यों चढ़ाता है इसे, राधा को मत चढ़ाया कर। वो से उठा कर ले गया, उठा ले गए वो। कौन? बचाओ, बचाओ, छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़ दो, ये छोड़ दीजिए, निकालिए इसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, छोड़ दीजिए, ये निकालिए, नहीं, नहीं, छोड़ दो क्या? छोटी जी, मेरी पति आदि होगी, छोटी जी, निकालिए ये, हटाइए।
कोई हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए। हटिए हटिए। सदानंद जी, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है आपकी स्थिति स्थिर नहीं है, चलिए भीतर चलकर आराम कर लीजिए। सदानंद भैया, मैं आपकी मनोस्थिति को भली भांति समझ सकती हूँ, किंतु इस समय आप धैर्य रखिए। लीजिए भैया, थोड़ा जल तो पी लीजिए। लीजिए नंजी, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मार्ग में उसे किसी ने पकड़ लिया है। कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कौन होता है? जब कोई ब्राह्मण अपने जीवन में अनाचार करता है, लूट मार, हत्या और व्यभिचार करता है, तो ब्रह्मदेव उसे श्राप देते हैं। ऐसे ब्राह्मण अपनी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बाद मोक्ष को प्राप्त नहीं होता और ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। हमारे पति बहुत दुखी होंगे। छोड़ दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तुम में से एक स्त्री तेरी शुदा शांत करेगी। ब्रह्मराक्षस अपने स्थान को छोड़कर और किसी भी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ मात्र उसके स्थान पर ही उसे बल प्रदान करती हैं। आज तुम मेरा भोजन बनोगी, तुम बनोगी। ये भयावान वन है, यहाँ तुम्हारी गूंज सुनकर कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। हाँ, वो कृष्ण है, वो तुम्हारी सहायता हेतु अवश्य आ सकता है। चिखो, और जोर से चिखो, चिढ़ाओ। हो सकता है वो तुम्हारा करुण क्रंदन सुन ले और यहाँ चला आए। उसे यहाँ बुलाना तो मैं भी चाहता हूँ। दाऊ, चलिए अब हमें शीघ्र अति शीघ्र ही कहीं प्रस्थान करना होगा। मेरे माता पिता मेरे विवाह को लेके कितने चिंतित, अपना सब कुछ मेरे ससुराल वालों को दे देंगे, मेरे मैया बाबा का क्या होगा?
वो अपना जीवन कैसे काटेंगे? मेरी स्त्री का क्या होगा? कहीं वो दुष्टों से मार ना दे, जाने किस दशा में होगी वो। मित्रों, हमें उसे स्थान पर चलना होगा। सदानंद, थोड़ा सा धैर्य रखो, हम सब मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। बाबा, हम भी आपकी सहायता के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्या कह रहे हो तुम दोनों? कान्हा, बलराम, तुम लोग वन क्यों जाओगे? तुम्हारा वहाँ क्या कार्य है? देखो बच्चों, वहाँ छोटे बालकों का जाना उचित नहीं होगा, तुम लोग घर पर ही ठहरो। जब तक मैं नहीं जाऊंगा, इस समस्या का हल नहीं निकलेगा मैया। नंद जी, मुझे बड़ा भय लग रहा है। नहीं सदानंद, भयभीत मत, हम सब साथ में हैं। नंद जी, यहीं से मेरी पत्नी का अपहरण हुआ था, यही वो स्थान है। साथियों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सदानंद की पत्नी को ढूंढना होगा। आप लोग जाइए, आधे लोग इधर जाइए और कुछ लोग इस दिशा में जाइए। जाइए, शीघ्र अतिशीघ्र जाइए। ना बाबा और सदानंद काका वन में गया, कहीं वो ब्रह्म राक्षस उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। ये अचानक से अग्निशिखा कैसे बुझ गई? नंद जी, अब तो हमें भी डर लग रहा है, हम इस अंधेरे में एक कदम भी नहीं रख सकते। धैर्य रखो। मैं ईश्वर, तुम्हारी रक्षा करो। अब क्या होगा नंद बाबा? तूने सदानंद की पत्नी का अपहरण क्यों किया है? उसे मुक्त कर दे। तुझे जो चाहिए वो सब मैं तुझे दूंगा, मुक्त कर दे उसे। सदानंद, संभालो अपने आप को। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नंद जी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बचाओ, 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 बचाओ। अरे तो तू इस निर्दोष को क्यों मार रहा है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। भगवान से डर, इसे छोड़ दे। ब्रह्म राक्षस हूं मैं, ब्रह्म राक्षस हूं मैं। यदि तुम में से किसी को मरना है तो कहो, तुम्हें भी इसके साथ पता लोग भेज देता हूं। यहाँ तुम्हारे ईश्वर का नहीं, तेरा भय व्याप्ता है। मनुष्य का यहाँ आना निषेध है। तुझे हर मनुष्य से चिढ़ है, और यदि कोई नवविवाहित स्त्री इस मार्ग से निकलेगी तो समझना वो अपनी मृत्यु के समीप जा रही है।
मार दूंगा मैं उसे। नहीं ब्रह्मराक्षस, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस ग्राम का नंद हूँ। आपकी क्षुधा को शांत करने के लिए आपको एक बैलगाड़ी अनाज बस प्रतिदिन भिजवाऊंगा, और आपको जिस चीज की भी आवश्यकता होगी मैं वो भी भिजवाऊंगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा, आप हमारे ग्रामवासियों को और हमारी वर वधुओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक मुझे प्रसन्न रखोगे बचे रहोगे, किंतु मैं तुम्हें कोई वचन नहीं दे सकता। न जाने मेरी जुबान कब फिसल जाए, और मैं इसकी स्त्री की भांति किसी अन्य वधु को मारकर अपनी भूख शांत करूं, ये मुझे ज्ञात नहीं। क्या मेरी स्त्री को तुमने? Yes! हाँ, मुझे नव वधुओं को मारकर खाना है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। क्या कह रहे हैं आर्य? क्या वो ब्रह्म राक्षस सच में इतना भयावह है? हाँ यशोदा, इसका अर्थ है कि सदानंद की पत्नी के प्राण संकट में है। आरे, क्या आप किसी प्रकार से उसे उस ब्रह्म राक्षस से नहीं बचा सकते? नहीं यशोदा, ये इतना सरल कार्य नहीं है। वो बहुत ही भयानक और हठी ब्रह्म राक्षस है। यदि हमने कुछ किया तो हो सकता है वो वृंदावन में आकर वृंदावन का विनाश कर दे। हमें धैर्य से ही काम लेना होगा यशोदा। नहीं आर्य, किसी भी प्रकार से वो ब्रह्म राक्षस हमारे वृंदावन में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार हमारे पुत्र कान्हा को उस ब्रह्म राक्षस के विषय में नहीं पता चलना चाहिए। अब जानते हैं कान्हा को, अगर उसे ब्रह्म राक्षस के विषय में कुछ भी पता चला तो वो उसे उलझने का प्रयत्न अवश्य करेगा। यशोदा, तुम बिल्कुल उचित कह रही हो। मैं कान्हा को कुछ नहीं बताऊंगा, पर वैसे भी ग्राम में जो विवाह है उनको भी संपन्न कराने का उत्तरदायित्व हमारा ही तो है, वो भी तो कराना है। आर्य, आप बिल्कुल सही कह रहे, किंतु जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता तब तक मैं कान्हा को अपने आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। सुशीला दीदी के विवाह के लिए समय हो गया है और काके ने मुझे समय पर पहुंचने के लिए कहा है, और फिर तो सुशीला दीदी का सिंगार भी तो करना है, किंतु पहले मैं तो तैयार हो जाऊं। कौन से वस्त्र पहनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पीला वस्त्र पहनूं या ना पहनूं? कल विवाह में पीले रंग के वस्त्र पहन कर आना। जाओ, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, मैं अपनी इच्छा के अनुरूप ही वस्त्र पहन कर आऊंगी। अरे वाह काना, आज तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। देखना मैया तुम्हें देखते ही काला टीका लगाने वाली है। चले जाओ। अब तो उस मार्ग से निकलना तो दूर रहा, संध्या होते ही घर से बाहर निकलने में भी भय लगता है। सुना है वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है, उसके हाथ में जो आ गया समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। पता नहीं, अब तो हर पल भय लगा रहता है कि किस क्षण मृत्यु हमें दबोच ले। ये लीजिए हल्दी और आदि सामग्री। कान्हा,
क्या राधा पीले रंग के वस्त्र पहनकर आएगी? वो देखिए दाऊ, राधा आ गई। बकियों की भीड़ में राधा के वस्त्र के रंग तो दिखने रहे। मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि राधा काना की बात कभी नहीं मानेगी। वो पीले कपड़े पहनकर कभी नहीं आएगी। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कान्हा, मैंने ये पीले वस्त्र तुम्हारे कहने पर धारण नहीं किए हैं। वो तो मैया ही पीछे पड़ गई थी, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। लगन का समय हो गया है, वधू को बुलाइए। रुकिए, ये विवाह नहीं हो सकता। जिस घर में मेरे प्रतिष्ठा के अनुरूप दहेज नहीं मिल सकता, वहां मैं अपने पुत्र का विवाह कदापि नहीं करूंगा। उठा पुत्र। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर बारात मेरे द्वार से लौट गई तो मेरी पुत्री का क्या होगा? उसके साथ विवाह कौन करेगा? ईश्वर के लिए ऐसा मत करिए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। आप चाहे तो ये घर रख लीजिए। नहीं चाहिए ये झोपड़ा। ऐसा मत कीजिए, हमारी पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो पुत्र। रुकिए। मेरे पास इसके अलावा देने को और कुछ नहीं है, समझी जी। एक बाप का सम्मान आपके चरणों में। काका ये लीजिए आपकी पगड़ी। और नरेश काका, मेरी सुशीला दीदी सोने जैसी है, आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मेरी मैया कहती है कि धन से महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। धन तो आता जाता रहता है, किंतु अच्छे रिश्ते बड़ी ही कठिनाई से बनते हैं। हाँ नरेश जी, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। धन के लोभ में आपको सुशीला जैसी गुणी बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा, बाबा, सुशीला दीदी कहीं नहीं मिल रही।